आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आपकी उम्र कितने हैं? हाँ, आपकी उम्र दोस्तों सिर्फ 15 से 18 वीडियो अपलोड किया एक छोटे बच्चे ने और उस पे सब्सक्राइबर 3.5 लाख हो गए। कितना जल्दी चैनल ग्रो हो गया, मतलब 15-16 वीडियो में 3.5 लाख सब्सक्राइबर, ये पॉसिबल है कि नहीं मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, दूसरे चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन ओपन कर लिया फ्रेंड, अपने यूट्यूब पे जाता हूँ कि किस हिसाब से इनका इतना जल्दी जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, मतलब 15 से 16 वीडियो होगा, 18 वीडियो होगा लास्ट, उसमें 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा, तो यहाँ पे मैं इनके वीडियो ही देख रहा था, देख सकते हैं सिराज विलेज ब्लॉग्स, अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे सिराज विलेज ब्लॉग्स तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ, 19 वीडियो मतलब 19 वीडियो है कुल, उसके बाद में यहाँ पे जो है सब्सक्राइबर देख सकते हैं 3,33,000 सब्सक्राइबर है, मतलब 19 वीडियो में 3,33,000 सब्सक्राइबर, जबकि कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मतलब अपने फैमिली को दिखा के मतलब कुछ भी करके वीडियो अपलोड करता हूँ, अपने मतलब अच्छा वीडियो बनाता हूँ, फिर भी हमारे जो है वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते ना ही सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। सिंपल सा फंडा, मैं वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब वीडियो में इनका दिखाता हूँ मतलब किस रिलेटेड वीडियो रहता है, किस टाइप की वीडियो रहता है। इनका जो वीडियो रहता है वो व्लॉग रिलेटेड रहता है। बहुत से लोग बोलते हैं व्लॉग तो चलता ही नहीं, बट यहाँ पर मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ कितना रहता है। थंबनेल पे भी कोई मतलब ज़्यादा खास नहीं है, तो यहाँ से तो एक बात क्लियर पता चलता है कि सिर्फ थंबनेल से आपकी वीडियो वायरल नहीं होगी, आपकी वीडियो पर थंबनेल भी क्लिकेबल होना चाहिए, उसके बाद आपकी वीडियो का जो है वॉच टाइम इंगेजिंग जो है आपका ऑडियंस रिटेंशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपकी वीडियो पर जो है व्यूज आएगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सा फंडा, मैं इस वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ जिसपे 21 आवर्स इस वीडियो को अपलोड करके हो गया, लेकिन इस पर देख सकते हैं व्यूज़ 1,90,000, मतलब 2 लाख व्यूज़ आने वाले हैं। इन पर व्यूज़ देख सकते हैं 4 लाख, 5 लाख, 2, 3 लाख, 2 लाख, मतलब इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है, मतलब देख सकते हैं 2 दिन में 3 दिन में इतना ज़्यादा व्यूज़ आ रहा है। ये ब्लॉग है जबकि छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सिंपल सा फंडा इस पर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं इनकी वीडियो को मैं दिखाता हूँ, ये ऐड आ रहा है, ऐड को चलने देते हैं। तो यहाँ पे देते हैं, मैं इनकी वीडियो को दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा आगे करके दिखाता हूँ, उधर एक दादाजी जा रहा है, ये मुझे यूं कर रहा है, ये देखो, अभी हम जाएंगे थोड़ा घूमते हैं। तो देख सकते हैं कोई खास इतना ज्यादा वीडियो नहीं है, बट और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पहला वीडियो जो इन्होंने अपलोड किया वो दिखा दिया, उसके बाद में 2 दिन एक वीडियो अपलोड होकर हो गया उसको मैं दिखा देता हूँ। सिंपल सा फटा, मैं इसको क्लिक कर दिया। सब लोग अपने घर में मौजूद थे, देखो ये बाबा जी बर्बादी में कहाँ जिया था, देख सकते हैं वो एक बच्चा लेके ले जा रहा है, ये देखो देख सकते हैं बर्बादी की वजह से ना, कोई खास वीडियो ऐसा नहीं लगता है मतलब ज्यादा एडिटिंग हो या कुछ और। मैं बर्बादी में साइकिल लेके आया हूँ, उसका भी बैठा हुआ है, ये देखो बर्बादी में साइकिल लेके जाना है घूमने के लिए। मुस्कान साइकिल चला रहे हैं, कोई खास नहीं, डेली लाइफ दिखा रहे हैं लोग, साइकिल चला रहे हैं, देखो मुस्कान किधर जा रही है, मतलब ये जो है बच्चे ज़्यादा देखते हैं आजकल, जो फ़ोन बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं इसीलिए ये बच्चे ज़्यादा वीडियो इस वीडियो को देखते हैं, मतलब बच्चे जो है ना इसी में लगे रहते होंगे, इसी वीडियो में हमेशा इसी वीडियो को देखते होंगे क्योंकि थोड़ा कॉमेडी टाइप के ये वीडियो बनाते हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो को और मैं दिखा देता हूँ जिसपे 5 दिन वीडियो अपलोड करके हो चुका 4 लाख व्यूज है। सिंपल सा मैं इस पर क्लिक कर दूँ, देख सकते देख सकते हैं। तो देख सकते हैं मतलब ये जो बच्चा है मतलब कार्टून टाइप का दिखता भी है और ऐसा बोलता भी है कार्टून के जैसे, तो इसीलिए लोग भी ज़्यादा देखते हैं इस वीडियो को। अब देख सकते हैं इतना जल्दी चैनल ग्रो होना कोई आसान नहीं भी है। चैनल कब बना है मैं ये भी देख लेता हूँ, ये चैनल बनाया कब गया है, 2022 मतलब जनवरी जो है ज्वाइन 21 मई 2022। तो यहाँ पे देखते हैं इतना मतलब जो चैनल क्रिएट करके मतलब चैनल बना के तो काफ़ी टाइम हो गया, ये वीडियो कब से अपलोड करें ये मैं देख लेता हूँ। वीडियो 1 महीने से अपलोड करें, मतलब मुझे लगता है ये आईडी बनी हुई थी पहले से, बट ये वीडियो 1 महीने से अपलोड करना स्टार्ट कर दी। देख सकते हैं पहले जो इन्होंने माई फर्स्ट ब्लॉग बनाया है इस पर देख सकते हैं 1 मंथ जो है हो गया, उसके बाद में 2,05,000 जो है 2,50,000 व्यूज़ है।
तो ये कितना जल्दी ग्रो हो गया, देख सकते हैं सिराज विलेज ब्लॉग्स, अगर आप इसको सर्च करेंगे तो आपके यूट्यूब पे आएगा, आप देख सकते होंगे किस हिसाब से इन्होंने बनाया है, कितना जल्दी सब्सक्राइबर गेन हुआ है इनका और कितना जल्दी ये सब मतलब हो रहा है। अगर इसका इनका व्यूज़ देखें अगर दोस्तों, तो व्यूज़ इनका काफ़ी होगा, देख सकते हैं 64,35,672, मतलब इतना ज़्यादा व्यूज़ है। जबकि कितना वीडियो इन्होंने अपलोड किया, 16 वीडियो कुल अपलोड किए इन्होंने, देख सकते हैं 19 वीडियो, ये 19 वीडियो अपलोड किए हैं, जबकि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा व्यूज़ भी आता है। अब ये इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा, इतना ज़्यादा आगे जाएगा, क्योंकि जब जिस पे ज़्यादा वॉच टाइम मिलता है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वॉच टाइम से ही ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो वायरल होता है, दो ही चीज़, एक वॉच टाइम से और एक आपकी वीडियो का जो है थंबनेल होता है, थंबनेल पे अगर लोगों ने क्लिक कर दे देखते ही तो आपकी उसकी जो है ऑडियंस अटेंशन बढ़ जाती है। अब ये जाहिर सी बात है, जब बच्चे देखते हैं तो ये कार्टून जैसा दिखते भी हैं, देख सकते हैं जो कार्टून सेम दिखते हैं उसके बाद में बोलते हुए देख सकते हैं, इसीलिए बच्चे तुरंत क्लिक कर देते होंगे, है ना। तो इंट्रो अपने वीडियो में नहीं लगाना, कोई भी जो बहुत ज़्यादा इंट्रो लगाते हैं अपने वीडियो में स्टार्टिंग में, तो इंट्रो आपको भूल कर भी नहीं लगाना। तो आप अपने वीडियो में इंट्रो नहीं लगाना, कुछ भी आप वीडियो बना रहे हैं किसी भी रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट करो, तभी लोग रुकेंगे, नहीं तो किसी के पास इतना टाइम नहीं कि आपकी इंट्रो को देखे एक मिनट या 50 सेकंड या कुछ भी इंट्रो डालो ही मत अपने वीडियो में। अगर इंट्रो डालते तो उससे आपका बेकार हो जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि बहुत अच्छा इंट्रो है बट इतना टाइम नहीं कि आपकी वीडियो को वो लोग मतलब आपकी इंट्रो को देखें, तो आप डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करो, लोग देखेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी, सब पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर करें, उसका जवाब जरूर दूंगा फ्रेंड। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आपकी उम्र कितने हैं? हाँ, आपकी उम्र 10 साल। आप प्रमोद कदम कर रहे होंगे, मैं आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद शिराज हूँ, मेरा बहन मुस्कान है। तो आज शब-ए-बारात का रात होने